हमें ज्वाइन किया है नईमा गर्ग साहिबा ने, जो इनकी इब्तदाई दिनों के साथी हैं और बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक इनका काम के हवाले से रहा है। बहुत अफसोसनाक खबर है नईमा गर्ग साहिबा, क्या कहेंगे, हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक रहा है उमर शरीफ साहब से। हमारा शहजादा चला गया, सबके मुंह पे मुस्कुराहट बिखेरने वाला, सब लोगों से मिलते जाए जिसके मुंह पे उसने मुस्कुराहट भेजी, उनके लिए दुआ मार्फत पड़े, उनके लिए दुआ करे, अपने की दुआ करे, हमारा प्यारा हमारा साथी को निकाल के लगे। नईमा गर्ग साहिबा बिल्कुल अल्लाह ताला सबको सब्र दे, आपको भी सब्र दे। आपसे इस वक्त ये लम्हा तो नहीं है गुफ्तगू करने के, लेकिन एक इतना बड़ा नाम, इतना अजीम शख्स इस दुनिया से चला गया, जिनके बारे में जब हम अदाकारों से गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक बड़े अदाकार के तौर पर सवाल करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि अदाकार के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन इंसान थे, और मैं देवी के अल्लाह की तरफ से उसको बस उसके दिमाग में फेंक जाता था, वो मुँह से बोलते थे कोई भी सवाल कर ले उसके साथ कोई भी आप, वो कहते फौरन जवाब देते थे उसको अल्लाह की तरफ से एक और गिफ्ट था। और बोला याद भी थे, उन्होंने किसी को जाहिर नहीं किया था, चीज से भी उसका बहुत ताल्लुक था और बहुत प्यार करने वाला इंसान, बहुत अच्छा साथी। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, और जिस तरह से आप इस वक्त यहाँ पर जो है अपने गम का इजहार कर रही हैं, यकीनी तौर पर आपके ताल्लुक का और आपके साथ जो उनका फनी सफर रहा है यकीनी तौर पर दुनिया जानती है। हर स्टेज ड्रामे में हमने देखा कि आप उनके साथ साथ रहीं, ज्यादातर आप ही उनके साथ मरकजी किरदार में नजर आईं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उमर शरीफ ने कितने अदाकार बना दिए अपनी तर्ज के, तकरीबन काफी जितने भी आने वाले स्टेज के फनकार है सब उम्र नहीं बनाए, जो उम्र ज्यादातर जैसे लोग बोलते थे कि इतने सबको चमाटे लगाते हैं मारते हैं, उसका चमाटी माशाल्लाह से इतना बरकत ही था कि सब फनकार बन गए, सब फनकार बन गए, सबको बना के चला के सबको बना के।